हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व एक ऐसा कर्व है जो ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा डिस्पर्जन है वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व की हेल्प से हमें डिस्पर्जन का पता चलता है और जो ये लॉरेंज कर्व है वो हमारे डिस्पर्जन का एक पार्ट है। हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन किया था जिसमें हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, हमने इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इनके कॉफिशियंट्स निकाले थे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस, तो हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। जो लास्ट हमारा जो पार्ट है इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर का, तो ये हमारा है लॉरेंज कर्व। इसकी जो पहले की सारी वीडियोज़ हैं वो आपको एडवांस स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ये जो हमारा मेजर है ये 6 नंबर का मेजर है जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉरेंज कर्व को आज हम स्टडी करेंगे। तो लॉरेंज कर्व जो है वो दिया गया था फेमस स्टैटिस्टिशियन मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा और इन्होंने अपने नाम पर ही इस कर्व का नाम रखा था। ठीक है, लॉरेंज। ठीक है, तो मैक्स ओ लॉरेंज, इसमें क्या कहते हैं कि जो ये लॉरेंज कर्व है ये एक ग्राफिकल मेथड है। देखो, नाम से ही क्लियर है कि ये कर्व है, तो ये क्या होगा, ग्राफिकली इसको हम प्रेजेंट करेंगे। किस चीज़ के लिए प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल मेथड है किस चीज़ के लिए, मेजरिंग डिस्पर्जन। आपको पहले बताया कि लॉरेंज कर्व के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कोई भी कितना डिफरेंस है, कितना हमारा डिस्पर्जन है, वो चीज़ हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व हैज़ ग्रेट यूटिलिटी इन द स्टडी ऑफ डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन मैनी कंट्रीज। हम क्या करते हैं, हम इक्वालिटी की डिग्री को स्टडी करना चाहते हैं। वहाँ पर हमारी जो इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उनके बीच में जब हम डिग्री देखना चाहते हैं, उनकी स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बहुत ज़्यादा यूज़ है किसका, लॉरेंज कर्व का। कहना क्या चाहता है कि लॉरेंज कर्व की बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब क्या करना हो, हमें इनकम एंड वेल्थ की स्टडी करनी हो, उनकी इनइक्वालिटी की डिग्री की स्टडी करनी हो बिटवीन द मैनी कंट्रीज। ठीक है, जो बहुत सारी कंट्रीज है उनके बीच में हमने इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटी की डिग्री को स्टडी करना है और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि यूजफुल है फॉर कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस, प्रॉफिट्स, इनकम एक्सेट्रा ओवर द डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स। जब बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, तो अलग अलग बिजनेस में हमें क्या है, उनकी कंपैरिजन करनी पड़ती है कि उनका प्रॉफिट कैसा है। हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को हमने दूसरे बिजनेस फर्म के साथ हमें क्या है कंपैरिजन करना है कि हमारी वेजेस कितनी है और सामने वाली फर्म की वेजेस कितनी है पर लेबर, तो वो चीज़ हमें वेजेस में देखना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें 2017 में कितना प्रॉफिट हुआ, सामने वाली फर्म को कितना हुआ, 2018 में कितना हुआ, सामने वाली फर्म को 2018 में कितना हुआ। उसी तरीके से ऐसे ही हर साल का हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स को, इनकम्स को कंपेयर करेंगे, हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को विद द अनदर कंपनी, उसके साथ हम क्या करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो लॉरेंज कर्व होता है, तो लॉरेंज कर्व इज अ कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व। लॉरेंज कर्व को बोला जाता है कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व, जिसमें क्या होता है, इन विच द परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कम्बाइंड विद द परसेंटेज ऑफ अदर आइटम्स सच एज इनकम, प्रॉफिट एंड एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक, हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास एक एक्स की सीरीज होती है और एक एफ की सीरीज होती है। अब क्या कहते हैं कि जो ये एक्स की सीरीज होती है हमें इसे भी कन्वर्ट करना है इनटू द कम्युलेटिव परसेंटेज। ठीक है, हमें कम्युलेटिव परसेंटेज में चेंज करना है और इस फ्रिक्वेंसी को भी कम्युलेटिव परसेंटेज में चेंज करना है। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में क्या होगा, हमारी इन दोनों के कम्बिनेशन को, जैसे यहाँ पर हम एक चीज़ रख लेते हैं, जैसे हम आइटम्स रख लेते हैं, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी को रख लेते हैं, तो यहाँ की जो आइटम्स है जैसे प्रॉफिट है, वेज है, इनकम है, तो वो यहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, फ्रिक्वेंसी, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ लेबर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, पीपल्स हैं, तो वो चीज़ हम फ्रिक्वेंसी में रखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा, जैसे पॉइंट निकला, यहां निकला, यहां निकला, तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स निकलेंगे उनके कॉम्बिनेशन से जब एक ड्रॉ होगा कर्व, तो उसे हम बोलते हैं हमारा लॉरेंज कर्व। तो यही चीज कहना चाहता है, लॉरेंज कर्व क्या है, इज अ कम्युलेटिव परसेंटेज है। कम्युलेटिव परसेंटेज क्यों कहा गया, क्योंकि हमारा जो ये एक्स और एफ है इसको हमने क्या किया, पहले कन्वर्ट किया इनटू द कम्युलेटिव परसेंटेज। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ होगा कि किस तरीके से इसे कम्युलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। जब हम कम्युलेटिव परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, डॉट्स लगाते हैं और उसके बाद एक कर्व को बनाते हैं, और किसकी कॉम्बिनेशन से, इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। तो वही कहा गया, लॉरेंज कर्व क्या है, कम्युलेटिव परसेंटेज है जो हमने कन्वर्ट किया, इन विच जिसमें परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी
जो परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो कमलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज हमने निकाली, फ्रीक्वेंसी को कमलेटिव परसेंटेज में चेंज किया, वो उसे कंबाइन किया जाता है, इस कंबाइंड कंबाइंड किसके साथ किया जाता है, विद द परसेंटेज ऑफ अदर आइटम, अदर आइटम मतलब एक्स, उसकी जो परसेंटेज है उसके साथ किया जाता है, सच एज प्रॉफिट, इनकम, वेजेस एक्सेट्रा. तो इस तरीके से हमारा एक लॉरेंज कर्व बनेगा. ठीक है, अब देखो हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं. क्वेश्चन में देखो हमें इनकम दी हुई है. मैंने पहले बताया जो भी एक्स वेरिएबल होगा वो हमारा होगा इनकम, प्रॉफिट, वेजेस, इस तरह की कोई चीज़ें होंगी. ठीक है, तो इनकम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है. इनकम में देखो हमें दे रखे हैं 100, 200, 400, 500, 800. हमें 5 आइटम्स दे रखी है. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं. नंबर ऑफ पर्सन को हम लिखेंगे एफ, दैट इज एक्स. ठीक है, एफ. अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 80, 70, 50, 30 एंड 20. ठीक है, तो अब हमें इसे चेंज करना है इनटू कम्युलेटिव परसेंटेज, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, एक ग्राफ बनाना है. ठीक है, दो ही काम है हमारे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो हम इनकम को कम्युलेटिव परसेंटेज में चेंज करते हैं. हमारा सबसे फर्स्ट क्या है, इनकम. तो लिखो यहां पर इनकम. ठीक है, इनकम कितनी है हमारे पास, 100, 200, 400, 500, 800. अब इसको क्या है, कम्युलेटिव परसेंटेज में चेंज करो. ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कम्युलेटिव परसेंटेज किस चीज की, ऑफ इनकम. इनकम की कम्युलेटिव परसेंटेज कर रहे हैं, तो यहां पर हम करेंगे कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम. सबसे फर्स्ट हम दो स्टेप अपनाएंगे कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम के, हमारे दो स्टेप्स होंगे. सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम सबसे फर्स्ट कम्युलेटिव इनकम निकालेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे, जिसे हम कम्युलेटिव परसेंटेज बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारा देखो कम्युलेटिव इनकम. कम्युलेटिव इनकम देखो हमने पहले किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने CF किया था. अब यहाँ पर इनकम है तो कम्युलेटिव इनकम होगी, कोई फर्क नहीं है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 का 100 टोटल कर दो. अब दो को यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300. तीनों को टोटल कर दो, आ जाएगा 700. फिर इन चारों को टोटल करोगे, हमारा आएगा 1200. पांचों को टोटल करोगे, दैट इज 2000. क्लियर है. अब हमें परसेंटेज निकालनी है इस कम्युलेटिव इनकम की. तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होगा, यहाँ पर रफ नोट्स में करते हैं. फर्स्ट हमारा किस तरीके से निकलेगा, सबसे फर्स्ट हमें रखना है फर्स्ट वाली आइटम को ऊपर रखना है, फिर हमें इसके डिवाइड में रखना है टोटल. टोटल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर आ रहा है 2000. 2000 को टोटल रख लो. और जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ से इसको कट करके देख लो, दैट इज 5. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कितनी आई, 5. क्लियर है. नेक्स्ट हमारा सेकंड, सेकंड क्या कहता है, 300 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100. That is 15. पर अब हम क्या लिखेंगे, 15. ठीक है, थर्ड हमारा कितना है, 700, 2000, 100. अब पता चला ये किस तरीके से लिखा गया है, ऊपर हम लिखते हैं हमारी जो खुद की हमारी कम्युलेटिव इनकम है वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है. तो टू जीरोस गई, तो दैट इज 35. नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ, ये हमारा थर्ड था, दैट इज 1200, 2000, ठीक है, 60. लास्ट हमारा फिफ्थ क्या कहता है, 2000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 2000 से 2000 हमारा जो टोटल आ गया वो कितना है, 100. तो यहाँ पर लिख दो 100. तो इस तरीके से हमारी कम्युलेटिव परसेंटेज निकल गई. इसको हम अलग लिख लेते हैं क्योंकि हमें यही चीज़ चाहिए. क्या निकली है हमारी, कम्युलेटिव परसेंटेज. ठीक है, किस चीज़ की परसेंटेज, ऑफ इनकम. कितनी निकली है, द फर्स्ट इज 5, सेकंड 15, थर्ड 35, फोर्थ 60 एंड लास्ट इज 50, 100. ठीक है, लास्ट इज 100. तो यहाँ पर देखो हमारी ये निकल गई. अब देखो हमें क्या करना है, हमें सेम जैसे हमने इसको निकाला है उसी तरीके से हमें अब नंबर ऑफ पर्संस को निकालना है, फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट करना है. सेम प्रोसीजर रहेगा, बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा. द फर्स्ट हमने देखो नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, 80.
ठीक है, 70, 50, 30 एंड 20, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, दो स्टेप्स को फॉलो करना है। द फर्स्ट इज हमें क्या निकालना है, कम्युलेटिव पर्सन्स निकालने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें कम्युलेटिव परसेंटेज निकालनी है ऑफ सच पर्सन्स, ठीक है। अब कम्युलेटिव नंबर ऑफ पर्सन्स निकालो, कम्युलेटिव पर्सन्स। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, द फर्स्ट इज 80, सेकेंड में हम दोनों को टोटल करेंगे 150, तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 200, चारों को टोटल करेंगे 230, पाँचों को टोटल करेंगे 250। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे फर्स्ट आपको ऊपर लिखना है 80, डिवाइड बाय आपको टोटल 250 है तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इस तरीके से आप सभी की परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज जब आप निकालोगे तो हमारे आ जाएगा यहाँ पर 32, 60, 80, 92 एंड 100, ठीक है। तो अब हमारी कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ सच पर्सन क्या निकली है, तो यहाँ पर कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम लिखी थी, हम अब यहाँ पर लिख लेंगे कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर सेम लिखो, 32, 60, 80, 92 एंड 100, सेम हमने इसको यहाँ पर लिख दिया और यहाँ का सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमें यही चीज़ क्या है चाहिए थी, जब भी हमें क्या है प्लॉट करना है एक ग्राफ में पॉइंट्स को, तो हमें ये मिल गया। अब देखो हमने निकाली है परसेंटेज, मतलब कि ये टोटल कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जब भी हम एक ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमें 100 तक लेकर जानी है आइटम्स को, ठीक है। ले जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस रखना है। यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर हमारा होगा ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दैट इज 100, ठीक है। सेम यहाँ से भी आपको सेम गैप लेना है। मैं स्केल्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, फ्री हैंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग स्केल का यूज़ ज़रूर करना। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दैट इज 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब आपका काम क्या है, अब आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपको एक स्केल्स की हेल्प से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगानी है इस तरीके से। लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगा पाओगे, इसलिए आप क्या करो, इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। इसको एक बॉक्स में इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपको बंद करना है, और यहाँ से 100 से भी इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगाने से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, जब हमने इसको 100 से स्ट्रेट लाइन दी, तो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को मिलाना है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है परसेंटेज ऑफ इनकम, आपको आइटम यहाँ लिखनी है, और फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे नंबर ऑफ आइटम्स है तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ पर्संस, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेना है फर्स्ट पॉइंट जो कि परसेंटेज ऑफ इनकम है। तो यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर हमारा मिडल ऑफ दिस दैट इज 5, और यहाँ से हमें कितना लेना है 32, तो यहाँ पर हमारा 32 आएगा लगभग यहाँ पे। तो हमें बिल्कुल इसकी स्ट्रेट पॉइंट पे यहाँ पे एक मार्क करना है, ठीक है, मिडल ऑफ दिस दैट इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है मार्क करना है। उसके बाद देखो हमें सेकेंड जो बोला गया है वो है 15 एंड 60, 15 एंड 60 मतलब इन दोनों के मिड का, और 60 इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा आता है 16 एंड 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहा गया, 35 एंड 80, 35 हमें यहाँ से लेना है और 80 हमें यहाँ से लेना है। तो हमारा जो आएगा वो बिल्कुल यहाँ मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर दो। उसके बाद क्या कहता है, 60 एंड 92, 60 ये रहा और 92 हमारा 90 से हल्का सा आगे 92 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, 100 एंड 100, 100 ये रहा तो 100 का यहाँ पर और 100 का ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। तो हमें अब यहाँ से क्या करना है, हमें इस पॉइंट से लेकर एक फ्री हैंड हमें क्या है कर्व बनाना है, जो कि इस तरीके से बनेगा,
और एट द एंड हमें 100 वाले पॉइंट पे इसे क्या है मिला देना है, 0 से लेके 100 तक। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो ये लाइन है वो किस चीज़ की लाइन है, ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी कहते हैं। तो ये क्या है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्यों लिखी, क्योंकि हमारा जो लोरेंज कर्व है वो क्या कहता था कि जो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी होती है, जो अनइक्वल होती हैं, उसकी डिग्री को स्टडी करने के लिए लोरेंज कर्व क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हम इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे कि कितनी चीज़ इनइक्वल है, कौन सी इनकम इनइक्वल है, हमारी रियल इनकम से कितनी कम है। तो हमारी जो रियल हमारी आ रही है इनकम वो ये है, जो हम रियल में प्लॉट कर रहे हैं विद द परसेंटेज ऑफ पर्संस। तो ये है हमारी जो लाइन है वो ओरिजिनल लाइन हमारी ये है नीचे वाली, और ऊपर वाली हमारी क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल है और नीचे वाला क्या है हमारा एक लोरेंज कर्व है। ये जो कर्व है इसी को लोरेंज कर्व कहा जाता है, लोरेंज कर्व कहा जाता है, और यही हमें क्या है शो कर रही है कि इन रियल हमें कितनी इनकम हो रही है और कितने पर्संस को। ठीक है, तो उस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इन दोनों के बीच का वेरिएशंस, इसमें देखो इतना वेरिएशन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन है, इसमें फिर कम है, और एट द एंड बहुत कम है, उसके बाद और भी कम हो रहा है, यहाँ पर आके ये दोनों इक्वली हो गए। तो ये कहना चाहता है कि जितनी ज़्यादा इन दोनों के बीच का गैप होगा, मतलब कि द गैप बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोरेंज कर्व, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा। हमें कंक्लूड क्या करना था कि डिस्पर्जन, हम डिस्पर्जन का चैप्टर कर रहे हैं, तो डिस्पर्जन का कंक्लूजन यही निकलता है कि जितना बड़ा हमारा क्या है जितना दूर होगा, जितना बड़ा गैप होगा इन दोनों के बीच में उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, और जितना कम गैप होगा इन दोनों के बीच में उतना कम डिस्पर्जन हमें देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में आपसे लोरेंज कर्व का कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं, स्टेप्स पूछ सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं कि लोरेंज कर्व के क्या स्टेप्स हैं, कैसे बनेगा, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे कि आपको सबसे फर्स्ट जो भी साइज ऑफ आइटम दी हुई है, साइज ऑफ आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसीज बोथ, दोनों को आपको क्या करना है कम्युलेटिव करना है। हमने किया कम्युलेटिव किया, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमें पूरे ग्रैंड टोटल लेके, ग्रैंड टोटल क्या होता है, जो हमने यहाँ पर देखो हमने ग्रैंड टोटल किया 2000 ग्रैंड टोटल था, यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल कितना था 250 था। तो यहाँ पर जो भी ग्रैंड टोटल होगा, ठीक है, उसे हमें डिवाइड में रखना है, नीचे डिवाइडेड पॉइंट पोर्शन में हमें ये रखना है, और 100 को हमें मल्टीप्लीकेशन के पोर्शन में रखना है, और अपर पोर्शन में क्या होगा हमारा, अपर पोर्शन में हमारी खुद की जो भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, कम्युलेटिव चाहे वो फ्रिक्वेंसी हो चाहे वो कोई भी आइटम, ठीक है, तो वो अपर पोर्शन में होगी, नीचे हम रखेंगे डिवाइड में जो भी हमारा ग्रैंड टोटल है, और मल्टीप्लीकेशन में हम 100 लिखेंगे, और इस प्रोसेस से हमारा क्या निकल जाएगी, हमारी कम्युलेटिव परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, किसकी निकल जाएगी, दोनों की, चाहे वो आइटम हो चाहे वो हमारी फ्रिक्वेंसी हो। और जो ये आइटम है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वेरिएबल वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू से बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट ये कर लिया, सेकंड हमने किया कि हमने उसकी टोटलिंग देखनी है, और हमें मल्टीप्लीकेशन करके हमें सीपी निकालनी है, कम्युलेटिव परसेंटेज निकालनी है दोनों की। उसके बाद थर्ड स्टेप देखो क्या कहता है, जब हम ये सारा कुछ निकाल लेते हैं तो अब हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में हम क्या लेते हैं, हम एक्स एक्सिस लेते हैं एंड वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं फ्रिक्वेंसी को, और वाई एक्सिस में हम क्या लिखते हैं आइटम्स को, ठीक है, लिखते हैं। ये लिखने के बाद क्या कहता है कि हमें 0 to 100 मार्केशन करनी है, हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या आता है कि हमें एक लाइन लगानी है, लाइन कौन सी, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यही किया था मैंने, यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैंने 0 लिखा था, फिर मैंने y, फिर x, फिर ये मैंने पॉइंट्स लिखे थे 0 से 100 तक, फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ पर्संस लिखा था, फिर उसके बाद मैंने इस लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा था। यही हमारी प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस लोरेंज कर्व के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम फ्री हैंड से क्या करेंगे इसको मिला देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारी बन जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे,
पॉइंट्स प्लॉट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, दोनों जो भी कम्युलेटिव परसेंटेज निकली थी, कौन सी, एक तो आइटम्स की कम्युलेटिव परसेंटेज और एक फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव परसेंटेज, दोनों की हेल्प से, दोनों के कम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. ठीक है, फिर जो भी पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है, अगर हम उसे ज्वाइन कर दें, ज्वाइंट विद ईच अदर, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ज्वाइंट विद ईच अदर जब हम उसको कर देंगे, तो दैट इज नोन एज द लॉरेंज कर्व. ठीक है, दैट इज नोन एज द लॉरेंज कर्व. जब हमारा लॉरेंज कर्व बन जाता है, तो उसके बाद अब हमें एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करनी होती है, कि जितना गैप है, गैप ज्यादा है तो हमारा, जितना गैप है उतना ही हमारा क्या है, डिस्पर्जन है. अब गैप दो तरीके से हो सकता है, ज्यादा गैप है जिसे कह सकते हैं कि लार्जर द गैप, किनके बीच में, बिटवीन, ठीक है, किनके बीच में, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉरेंज कर्व. ठीक है, द फर्स्ट इज लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड इज लॉरेंज कर्व. जब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लार्जर है, तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, हमारा जो रिजल्ट है वो निकलेगा ग्रेटर द वेरिएशन. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इसका पॉइंट क्या कहता है, कि जितना स्मॉलर होगा या फिर क्लोजनेस होगी, क्लोजनेस या स्मॉलर द गैप, ठीक है, क्लोजनेस होगी किसके बीच में, हमारे लॉरेंज कर्व के बीच में एंड लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उतना ही क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारा जो डिस्पर्स, जो हमारा वेरिएशन है वो लेसर होगा. और अब वेरिएशन ज्यादा है तो मतलब डिस्पर्जन ज्यादा है, डिस्पर्जन की बात करनी थी हमें, और अगर वेरिएशन कम है तो डिस्पर्जन कम है. ठीक है, यहां पर डिस्पर्जन मोर है, ज्यादा है, ग्रेटर है, और यहाँ पर डिस्पर्जन कम है. तो यही चीज़ इसमें बोली जाती है. हमें क्या करना था, हमें कंक्लूजन हमारा यही है कि इसी चीज़ को देखना है, और जितना ज़्यादा हमारी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉरेंज कर्व के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, जितनी ज़्यादा इनके बीच में दूरी होगी, उतना ही ज़्यादा वेरिएशन है, उतनी ही ज़्यादा क्या है, डिस्पर्जन है. और जितना कम इन दोनों के बीच में गैप होगा, लाइक दिस एंड दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही कम वेरिएशन है और उतने ही कम हमारे क्या है, डिस्पर्जन आएगा. तो आज के लिए इतना ही. हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक यही था कि लॉरेंज कर्व को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या होता है लॉरेंज कर्व. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले कि लॉरेंज कर्व होता क्या है. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली.